बुढ़िया को बताया आपने? नाम मत लो उसका, उसी की वजह से फंसे होते। नहीं बाजी, इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? बीवी है ना तुम्हारी, मिलने के लिए नहीं आ सकती थी तुम्हें यहाँ? तुम बस वो रिश्ता खत्म समझो। ऐसे कैसे? बुरा नामा तो मैंने उनके घर के सामने फाड़ दिया था। तो औरत छोड़ने का बाद में कहती है, दिल से पहले छोड़ चुकी होती है। सिर्फ समझौते का रिश्ता रह जाता और यक तरफा समझौता निभाया नहीं जाता। तो रिया छोड़ देगी मुझे? इस तरह तो उसे आजादी मिल जाएगी, वो अपने कजिन के साथ खुश रहेगी और मैं यहां जेल में सड़ूंगा। जहां से बाहर निकला तो पहले उन दोनों को गोली मारूंगा मैं। पहला केस खत्म नहीं हुआ है अभी, तो तुम दो केस और गले में डाल। इसी बात का तो गम है, कत्ल का इल्जाम लगना ही था तो उन दोनों के कत्ल का लगता। कुछ भी करें निकालें मुझे यहां से बाहर, कुछ भी करें लेकिन निकालें। तुम्हारी बहन ने स्वयं के बाद तुम्हारे पास एक चक्कर भी नहीं लगाया। किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। हमें तो पड़ता है। वो लोग मुझे यहां से ले जाने नहीं आएंगे। कम से कम इद्दत पे तो बिठा जाए। हाँ, इद्दत। खुद ही कोई सफेद जोड़ा निकाल कर पहन लो। शौहरों के मरने के बाद बीवियां अगर रंगीन कपड़े पहने ना, तो शौहरों को कब्र में भी सुकून और चैन नहीं मिलता। इसके नसीब की वजह से हम्माद भाई चले गए। उसका क्या है? सारा माल मता समेट कर इसने तो चले जाना है। सब कुछ इसी के नाम तो होगा। हाय हाय, मेरा मासूम बच्चा नौकर बना फिरता रहा। मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है अम्मी। जो कुछ भी था सब कुछ हम्माद के नाम पे है। ऐसा कहाँ होता बीबी? ऐसा ही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसकी गाड़ी और फ्लैट की चाबियां दो मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? मैं माँ हूं उसकी। उसका फ्लैट, उसकी चाबियां, सब कुछ करो मेरे हवाले। कदर, कुछ तो खुदा का खौफ करो। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया तुमने, कम से कम उसकी चीजें तो इनके हवाले कर दो।